बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप यू आर गुड। के प्लीज़ ओपन आफाक सन सीरीज इंग्लिश बुक पेज नंबर 48, यूनिट 6। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ आवर ड्यूटी टू आवर एनवायरनमेंट, हमारे माहौल के लिए हमारा फ़र्ज। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्ड्स मीनिंग एनवायरनमेंट, माहौल, इंसिडेंट, वाक्या, टॉट, सिखाया, पोमेंट, फर्श, बिलो, नीचे, लिटरिंग, गंदा कर रहा, इन्वायरमेंट, माहौल, वॉर्न्ड, खबरदार किया, स्निफिंग, सूंघना, फेयरफुली, खौफ से, चोक, गला घोंटना, सडनली, अचानक, केयरलेसनेस, लापरवाही, हार्म, नुकसानदेह, सीरियस, संगीन। वेल, वी हैव डन वर्ड्स मीनिंग एंड नाउ स्टार्ट इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। I am Huzaifa. Today I am going to share an incident from my life that taught me a lesson. मैं हुज़ैफ़ा हूँ और मैं आज एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे एक सबक सिखाया। When I was 7 years old, जब मैं 7 साल का था, I loved two things the most. मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद थीं। My cat named Fluffy, मेरी बिल्ली जिसका नाम फ्लफ़ी था, and candies और टॉफियाँ। I used to keep them with me, most of them. ज़्यादातर मैं उनको साथ ही रखता था। Each time I ate a candy, हर बार जब मैंने टॉफ़ी खाई, I never looked for a dustbin to throw the wrapper in. मैंने रैपिंग फेंकने के लिए कभी कूड़ेदान की तलाश नहीं की। I used to throw the wrapper everywhere. मैं हर जगह रैपर फेंक देता था। Even on the pavement below my window. यहाँ तक कि मेरी खिड़की के नीचे भी, फर्श पर। आई नेवर रियलाइज्ड दैट आई एम लिटरिंग द एनवायरनमेंट। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं माहौल को गंदा कर रहा हूँ। माई पेरेंट्स वॉर्न्ड मी मैनी टाइम अगेंस्ट दिस। मेरे वालदैन ने मुझे इसके लिए कई बार खबरदार किया, बट आई नेवर केयर इट अबाउट इट। लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। मैनी चिल्ड्रंस हु यूज्ड टू प्ले ऑन द मोमेंट वर टायर्ड ऑफ माई हैबिट ऑफ लिटरिंग। बहुत से बच्चे जो फर्श पर खेलते थे, मेरी इस कूड़ा करकट डालने की आदत से तंग आ चुके थे। वन डे आई अनरैप्ड अ कैंडी। एक दिन मैंने एक टॉफ़ी खोली, च्यूड इट, उसको चबाया, एंड थ्रू द रैपर आउट ऑफ द विंडो, और रैपर खिड़की से बाहर फेंक दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, आई वेंट डाउन स्टेयर टू सी वेयर माई कैट वॉज। कुछ देर के बाद मैं नीचे गया कि देखूं मेरी बिल्ली किधर है, किधर थी, कहाँ थी। आई फाउंड इट एट द डोर ऑफ माई हाउस। मैंने उसे अपने घर के दरवाजे पर पाया। इट वॉज स्निफिंग एट समथिंग। वो किसी चीज़ को सूंघ रही थी। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, व्हाट इज़ इट डूइंग हियर, ये यहाँ क्या कर रही है। आई वेंट नियर इट एंड सेड फियरफुली। मैं उसके करीब गया और डरते डरते कहा, ओह इट इज़ ईटिंग वन ऑफ द रैपर। ओ, ये तो एक रैपर खा रही है। इट विल चोक, इसका दम घुट जाएगा। देन सडनली आई स्टार्टेड टू शाउट। फिर अचानक मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, पापा पापा प्लीज़ कम, पापा पापा प्लीज़ आ जाएं, फ्लफ़ी इज़ चोकिंग, पापा माई फ्लफ़ी विल डाई, प्लीज़ कम, फ्लफ़ी का दम घुट रहा है, पापा मेरी फ्लफ़ी मर जाएगी, प्लीज़ आ जाएं। माई फादर एंड आई रश्ड टू द डॉक्टर। मेरे वालिद और मैं डॉक्टर के पास गए। द डॉक्टर मैनेज्ड टू गेट द रैपर आउट ऑफ फ्लफ़ीज थ्रोट। डॉक्टर फ्लफ़ी के गले से रैपर निकालने में कामयाब हो गया। फ्लफ़ी वॉज सेव्ड, फ्लफ़ी को बचा लिया गया। वी रिटर्न्ड होम आफ्टर एन आवर। हम एक घंटे के बाद घर वापस आए। आई वॉज फीलिंग वेरी सैड। मैं बहुत उदास महसूस कर रहा था। My father looked at me and said, मेरे वालिद ने मेरी तरफ़ देखा और कहा, What happened to Fluffy could happen to an other cat or bird. Fluffy के साथ जो हुआ वो किसी और बिल्ली या परिंदे के साथ भी हो सकता था। Sometimes our carelessness may cause serious harm to others. बाज़ औक़ात हमारी लापरवाही दूसरों को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। We should always be careful in our actions. हमें अपने कामों में हमेशा मुख्तात रहना चाहिए। अल्लाह सुबहाना ताला हैज़ ब्लेस्ड अस विद अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें इतनी खूबसूरत ज़मीन रहने के लिए दी। वी शुड ऑलवेज़ ट्राई टू कीप इट
नीट एंड क्लीन, हमें इसे साफ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। आई प्रोमिस्ड हिम नॉट टू लिटर माई सराउंडिंग्स अगेन, मैंने उनसे वादा किया कि दोबारा अपने इर्द गिर्द कूड़ा करकट नहीं डालूंगा।